हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटैप यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एडुटैप के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मेरा नाम है निशांत ओझा और मैं आपके साथ लेने वाला हूँ द फर्स्ट लाइव सेशन फॉर आवर कोर्स फॉर IBACIO एग्जाम। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जुड़ते जाइए आप सब लोग। और अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन के अंदर एक बार येस टाइप करिए सो दैट आई गेट टू नो दैट आई एम क्लियरली ऑडिबल टू ईच एवरी वन ऑफ यू। ऑल दी एस्पिरेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एडुटैप के चैनल के ऊपर। एंड अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है एंड आई एम क्लियरली ऑडिबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, काइंडली टाइप येस इन द कॉमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दी लाइव सेशन ऑफ टुडे। तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। एंड इस सेशन के अंदर दोस्तों हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, ये जो हम IBACIO का कोर्स और IBACIO का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए द एडुटैप हैज़ स्टार्टेड लाइव सेशंस ऑन आर एडुटैप यूट्यूब चैनल, जहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि इस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो सिलेबस से जुड़ी हुई हो, चाहे वो कंटेंट से जुड़ी हुई हो या स्ट्रेटजी से जुड़ी हुई हो, वो हम आप लोगों को इन सेशंस के थ्रू प्रोवाइड करने जा रहे हैं। एंड अगर आप लोग इन सेशंस को एंजॉय करेंगे तो एंड आई नो दैट यू विल लाइक आर वीडियोज एंड यू विल शेयर दिस वीडियोज ऑल्सो अमंगस्ट अदर फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स। एंड अगर इस सेशन में आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियरली ऑडिबल है, मैं आप लोगों को क्लियरली सुनाई दे रहा हूँ, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन के अंदर चैट बॉक्स के अंदर एक बार येस टाइप करिए और यू कैन ऑल्सो रेज योर थम्स अप सो दैट आई गेट टू नो दैट वी कैन कंटिन्यू विद द सेशन टुडे। मैं देख रहा हूँ लोग जुड़ते जा रहे हैं बट स्टिल आई थिंक आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर सो दैट आई नो दैट आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू एंड वी कैन स्टार्ट विद दिस सेशन टुडे। फ्रेंड्स, टुडे जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो लाइव सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस लेक्चर इज फॉर द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर GS कॉम्पोनेंट ऑफ द सिलेबस। ठीक है, जो हमारा GS कॉम्पोनेंट है हमारे ACIO एग्जाम का, 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ टोटल 100 हम लोगों को पूछे जाने वाले हैं GS के सेक्शन से। और उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 3 to 5 क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी के सब्जेक्ट से भी देखने को मिल सकते हैं आउट ऑफ दोज 20 क्वेश्चंस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन सभी ज्योग्राफी के कंपोनेंट्स को रीड करते रहें। और आज इस सेशन के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ दी नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो नेशनल पार्क्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का ऑल अक्रॉस डिफरेंट एग्जामिनेशंस एंड ऑल्सो फॉर दी ACIO एग्जाम, जहां पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अबाउट वेरियस फेमस नेशनल पार्क्स लोकेटेड इन आर कंट्री। तो मेरी आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, जो भी एस्पिरेंट्स मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है एंड आई एम क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, काइंडली टाइप येस इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई गेट टू नो दैट आई एम ऑडिबल एंड वी कैन कंटिन्यू विद द लेक्चर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर को, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू अबाउट द IBACIO कोर्स दैट वी एडुटैप हैव लॉन्च्ड फॉर यू। ये हमारा फुल वीडियो मास्टर कोर्स होगा IBACIO एग्जाम के लिए। एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट ACIO का जो एग्जाम है ये हमारे 3 tiers में होने वाला एग्जाम है, tier 1, tier 2 एंड tier 3। और तीनों tiers के लिए एडुटैप ने आपको कंप्लीट A to Z का कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड करके रखा है, जहां पर आपकी जितनी भी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द डिफरेंट 3 tiers वो पूरी की जाने वाली हैं। फॉर tier 1 वी आर प्रोवाइडिंग चैप्टर वाइज वीडियोज एंड MCQs ऑफ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट वीडियोज, कॉन्सेप्ट नोट्स एंड क्विजेस फॉर ऑल दी GS सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड साइंस, एज वेल एज वी आर प्रोवाइडिंग यू विद दी जनरल अवेयरनेस मंथली मैगजीन्स एंड क्विजेस। सो जितना भी कंटेंट रिक्वायर्ड है आपको 100 क्वेश्चन आंसर करने के लिए इन द tier 1 एग्जामिनेशन, यू विल बी गेटिंग इन आर वीडियो मास्टर कोर्स विद वीडियो लेक्चर्स विद प्रिंटेबल डाउनलोडेबल हैंड आउट्स एंड क्विजेस। फिर आपको tier 2 एग्जाम के अंदर वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो हमारे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर होगा उसके लिए, एंड फोल्डर मटेरियल यू विल ऑल्सो गेट फॉर एसे टू एनरिच योर कंटेंट फॉर राइटिंग एसेज।
इसी के साथ हम सैम्पल एक्सरसाइजेस भी प्रोवाइड करने वाले हैं प्रेसी राइटिंग के लिए, रीडिंग कम्प्रिहेंशन के लिए, बिकॉज यू ऑल नो एज मच यू प्रैक्टिस उतना ही ज्यादा बेटर अच्छा परफॉर्म करके आ पाएंगे आप लोग टीयर टू के एग्जाम में। इसके बाद टीयर थ्री के अंदर वी आर प्रोवाइडिंग यू इंटरव्यू गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड मॉक इंटरव्यूज विल ऑल्सो बी कंडक्टेड सो दैट ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर टीयर थ्री एग्जाम उन सभी एस्पिरेंट्स की जो तैयारी है, जो उनकी प्रेपरेशन है इंटरव्यू को लेकर के, पर्सनैलिटी टेस्ट को लेकर के, वो सारी तैयारी भी हम लोग करवाने वाले हैं। तो टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री आपकी सारी नीड्स जो हैं वो पूरी होने वाली हैं इस IB ACIO कोर्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं इस कोर्स के बारे में और अभी अभी तक आपने इस कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेकआउट करिए। वहाँ पर आपको सारे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस एग्जाम से जुड़ी हुई और हमारे कोर्स से जुड़ी हुई भी। अब दोस्तों, मुझे लगता है कि काफ़ी लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं एंड आई एम अज्यूमिंग कि मेरी आवाज़ भी आप सभी लोगों को क्लियरली ऑडिबल है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के सेशन से। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क्स लोकेटेड हैं, मोर देन 100 नेशनल पार्क्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट रीजन्स ऑफ आर कंट्री। और इन नेशनल पार्क्स को याद करना बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि क्या सभी 100 नेशनल पार्क्स को याद करना, उनकी लोकेशन को याद करना, उनके स्टेट को याद करना, क्या ये ज़रूरी है एग्जाम को क्लियर करने के लिए? देखिए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप सारे नेशनल पार्क्स को मेमोराइज करिए, सबको रटिए और एग्जाम के अंदर, क्योंकि जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किसी एक या दो नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर क्वेश्चन आता है। बट क्या उसके लिए आपको सारे नेशनल पार्क्स याद करने की ज़रूरत है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। वॉट यू कैन डू इज दैट रीजन वाइज या इंडिया के जो इम्पोर्टेंट कुछ नेशनल पार्क्स हैं, नॉर्दर्न, सदर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पोर्शंस के अंदर, उनको अगर आप एक बार मैप में रिवाइज कर सकते हैं, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर सच क्वेश्चंस जो आपसे नेशनल पार्क्स के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। तो इस सेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, मैं आपको इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूँ और कुछ क्वेश्चंस जो जैसे आपको IB एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम इन नेशनल पार्क्स को स्टडी करेंगे। इसी तरीके से जो हमारा वीडियो कोर्स आप लोगों को मिलने वाला है फॉर द GS कॉम्पोनेंट ऑफ IB एग्जाम, वहां पर भी मैंने इंडिया के जितने नेशनल पार्क्स इंपॉर्टेंट हैं उन सभी नेशनल पार्क्स की लोकेशंस को भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन अगर आप देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड द अर्लीस्ट। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी क्वेश्चन हो सकता है अगर आपको ऐसे क्वेश्चन का आंसर पता है कि इंडिया का नेशनल पार्क्स कौन सा ऐसा था जिसको सबसे पहले अर्लीस्ट एस्टैब्लिश किया गया था। ऑप्शंस भी दिए गए हैं, नीलगिरी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क एंड डेजर्ट नेशनल पार्क। सो फोर ऑप्शंस आर गिवन टू अस। आपको बताना है आंसर, मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके फटाफट बता दीजिए कि इन चारों नेशनल पार्क्स में से सबसे पहले स्थापित किया गया, एस्टैब्लिश किया गया नेशनल पार्क कौन सा था। एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो द ऑप्शंस आर नीलगिरी, जिम कॉर्बेट, दुधवा एंड डेजर्ट नेशनल पार्क। इन चारों में से सबसे पहले स्थापना कौन से नेशनल पार्क की गई है, सबसे पहले एस्टैब्लिश कौन सा नेशनल पार्क किया गया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मुझे फटाफट से क्वेश्चन नंबर वन का आंसर आप लोग जो है वो बताने वाले हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज बीन एस्टैब्लिश्ड द अर्लीस्ट। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का मैं देखना चाहता हूं कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, सो मुझे आंसर आने आप लोगों के स्टार्ट हो गए हैं। बी आंसर मुझे काफी लोग बोल रहे हैं एंड यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। द अर्लीस्ट नेशनल पार्क दैट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया वॉज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लेकिन अगर कोई मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता पाएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जब एस्टैब्लिश किया गया था तब इस नेशनल पार्क का नाम क्या था, तब इस नेशनल पार्क का नाम कुछ और था, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लोग अगर बता पाए कि वॉट वॉज द अर्लियर नेम ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, द नेम बाय विच दिस नेशनल पार्क वॉज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो मुझे अगर बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी एस्टैब्लिश्ड। और अगर हम आगे नेशनल पार्क्स के बारे में और अपनी जानकारी बढ़ा लेते हैं, सबसे पहले नेशनल पार्क्स क्या हैं? नेशनल पार्क्स आर प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर कैटेगरी टू ऑफ IUCN। तो आपको क्या समझना है, इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं और इन प्रोटेक्टेड एरियाज को रैंकिंग दी जाती है बाय IUCN अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दीज एरियाज हैव बीन ग्रांटेड। जैसे अगर नेशनल पार्क्स की हम बात करें तो दे आर कैटेगराइज्ड एज
कैटेगरी टू बाई IUCN, यानी कि बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी, हाई लेवल की प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है नेशनल पार्क्स को इंडिया के अंदर। इंडिया में सबसे पहला नेशनल पार्क कब स्टैब्लिश हुआ है? 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से इसको स्टैब्लिश किया गया था। बाद में इसका नाम जो है बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया, एंड इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। जो भी नेशनल पार्क इंडिया में स्टैब्लिश किए जाते हैं, कौन से लॉ के अंडर स्टैब्लिश किए जाते हैं? वो लॉ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। सो इन 1972 इंडिया इनेक्टेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इस एक्ट में बाद में अमेंडमेंट्स भी किए गए 1990s में, 2006 में, और इन अमेंडमेंट्स के थ्रू प्रोजेक्ट टाइगर, इसको भी जो जिस लॉ के अंडर अथॉरिटी मिली है वो भी आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, और प्रोजेक्ट टाइगर को फिर स्टार्ट किया गया बाद में, राइट। सो ऑल दी टाइगर रिजर्व्स, ऑल दी नेशनल पार्क्स, ऑल दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो इंडिया में स्थापित की जाती हैं, स्टैब्लिश की जाती हैं, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर की जाती हैं, ठीक है जी। इंडिया में 100 से ऊपर नेशनल पार्क्स हैं, अबाउट 104 नेशनल पार्क्स हैं जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आज के समय में लिस्टेड हैं, राइट। नेशनल पार्क्स को कौन डिक्लेयर करता है, ये भी चीज जो है आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए नेशनल पार्क्स को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज में सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी नेशनल पार्क को डिक्लेयर कर सकती है, किसी भी एरिया को बोल सकती है कि ये एरिया आज से नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। पहली बात, नेशनल पार्क को डिक्लेयर करने का काम कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब नेशनल पार्क जब डिक्लेयर हो गया है, उस नेशनल पार्क की बाउंड्री में चेंज करना है, नेशनल पार्क को छोटा करना है, उसको बड़ा करना है, नए एरियाज को इंक्लूड करना है नेशनल पार्क में, या पुराने एरियाज को जो नेशनल पार्क में ऑलरेडी इंक्लूडेड है उनको एक्सक्लूड करना है, बाउंड्री में किसी भी तरीके का अगर आप चेंज करना चाहते हैं, सो फॉर दैट यू नीड टू इन्वॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो राज्य की विधानसभा होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, वहां पर आपको एक मोशन पास करवाना पड़ेगा। ये चीज डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आई एम क्लियर। जब कोई भी नेशनल पार्क नया इस्टैब्लिश हम लोग करने जा रहे हैं, तो इस्टैब्लिश करने के लिए सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ऑर्डर पास करना होता है, नोटिफिकेशन देनी होती है। लेकिन जब नेशनल पार्क जो स्थापित हो चुका है, इस्टैब्लिश हो चुका है, इफ यू वॉन्ट टू चेंज द बाउंड्रीज ऑफ दैट नेशनल पार्क, देन यू नीड टू पास अ मोशन इन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और विथ पार्लियामेंट। क्लियर हो गया। इसके साथ ही अगर आप किसी भी नेशनल पार्क को एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं या फिर उसकी बाउंड्रीज को चेंज करने जा रहे हैं, तो आपको नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का भी परमिशन लेना होता है, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ नेशनल पार्क्स में ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ही कम अलाउड होती हैं, बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होती हैं। ओनली द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स आर वर्किंग इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दे आर अलाउड टू एंटर द नेशनल पार्क्स। किसी भी दूसरे सिटीजन को, इंडियन हो या फॉरेन कोई नागरिक हो, उसको नेशनल पार्क्स में एंट्री विदाउट परमिशन अलाउड नहीं होती। इसी के साथ नेशनल पार्क्स के अंदर जाके आप कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, हंटिंग बिल्कुल नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे विदाउट परमिशन, डिफॉरेस्टेशन यानी ट्री कटिंग आप नहीं कर पाएंगे। तो ये सब फायदे होते हैं किसी भी एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर करने के। आई होप आई एम क्लियर, राइट। सो हमें ये सारी चीज़ क्लियर हो गई, हमें पता चल गया, चलो पहला नेशनल पार्क था हमारा हेली नेशनल पार्क, जिसको आज के हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर हम बात कर रहे हैं, 36 में इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था ब्रिटिश टाइम्स में ही। नैनीताल एंड पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में ऑफ उत्तराखंड में लोकेटेड है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड नियर दी रामगंगा रिवर। रामगंगा रिवर इस कॉर्बेट नेशनल पार्क्स के बीच में से फ्लो होकर जाती है, मिडिल में से फ्लो होकर जाती है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। सो इफ यू लुक एट द मैप ऑफ उत्तराखंड, आई हैव शोन यू वेरियस नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अपनी एटलस के अंदर या अपने नोट्स के अंदर इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू अगर ये सारी लोकेशन आप लोग नोट कर पा रहे हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सब उत्तराखंड के नॉर्दर्न पोर्शन में लोकेटेड है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, अगेन इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मस्क डियर या कस्तूरी हिरण के लिए बहुत ज्यादा फेमस है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मसूरी राजा जी नेशनल पार्क इन द सदर्न पोर्शन ऑफ उत्तराखंड स्टेट। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कॉर्बेट नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड बिनसारी नेशनल पार्क, ऑल लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है हमको, उत्तराखंड में जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क्स लोकेटेड हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को अपने माइंड में बिठा लेनी है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स पास थ्रू दी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स पास थ्रू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व? ऑप्शंस आर गंडक रिवर, गंगा रिवर, राम गंगा रिवर एंड भागीरथी रिवर. एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू विल गिव मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई एम वेटिंग फॉर करेक्ट आंसर्स फ्रॉम यू. गंडक, गंगा, राम गंगा एंड भागीरथी, कौन सी रिवर्स जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से के मिडल में से फ्लो होकर जा रही है? अभी अभी हमने इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस भी किया है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया है. अगर आप लोग सेशन के अंदर अटेंटिव नहीं है देन आई कैन नॉट हेल्प यू, बट आप लोगों को अभी अभी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दे दिया है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर में मुझे कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. सभी लोग मुझे करेक्ट आंसर बता रहे हैं. अरिजीत, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है. राजेश जी, आपका आंसर भी करेक्ट है. अजीत पॉल, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, तो यही फायदा है, अगर आप अटेंटिव हैं तो इस लेक्चर के अंदर ही हम बहुत सारे नेशनल पार्क्स को और उनकी लोकेशन को एक बार रिवाइज कर लेंगे. तो इनमें से अगर कोई भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलती है इन द एग्जाम, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर सच क्वेश्चंस. तो प्रतिभा जी, आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है. तो मुझे बाकी सभी लोगों का आंसर भी देखना है. अरिजीत, राजेश, आपने और प्रतिभा जी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, राम गंगा रिवर. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. बहुत सारी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती हैं. गंगा रिवर भी उनमें से एक है, लेकिन राम गंगा एक बिल्कुल अलग रिवर है, दूसरी रिवर है, और ये आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में से फ्लो होकर जा रही है. रजत जी, बिल्कुल सही है आपका आंसर. तो करेक्ट हुआ, सेकंड क्वेश्चन करेक्ट हो गया. आप थर्ड क्वेश्चन देखो. बाउंड्रीज ऑफ एनी नेशनल पार्क इन एनी स्टेट इन इंडिया कैन नॉट बी ऑल्टर्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ. बाउंड्रीज ऑफ एनी नेशनल पार्क इन एनी स्टेट इन इंडिया कैन नॉट बी ऑल्टर्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ. ऑप्शन ए, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो. ऑप्शन बी, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ. ऑप्शन सी, सेंट्रल जू अथॉरिटी. एंड ऑप्शन डी, पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का मतलब यहां पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. तो मुझे थर्ड क्वेश्चन का आंसर अब आप लोगों से चाहिए. ये आंसर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, बाउंड्रीज किसी भी नेशनल पार्क की जब आप चेंज करने जा रहे हैं तो आपको किस चीज का परमिशन चाहिए होता है, किस बॉडी का परमिशन चाहिए होता है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दिखना चाहिए. एंड आई एम गेटिंग करेक्ट आंसर. अरिजीत जी, राजेश जी, प्रतिभा, रजत, गगन सोढ़ी, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं आपके. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ. नेशनल बोर्ड ऑफ जो वाइल्ड लाइफ है, इसी की परमिशन हमको चाहिए किसी भी नेशनल पार्क की बाउंड्रीज को ऑल्टर करने के लिए. क्लियर हो गया है? ये जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, इसको भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही स्टैब्लिश किया गया है, इसी एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश किया गया है. क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर. अभी ये क्वेश्चन देखो, हमें इस क्वेश्चन में क्या किया गया, थोड़ा चेंज्ड क्वेश्चन है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट दी नेशनल पार्क इन इंडिया. इंडिया के नेशनल पार्क से जुड़ी हुई हमें चार स्टेटमेंट गिवेन है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो ऑप्शन ए इज डेजर्ट नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया. ऑप्शन बी सेज हेमिस नेशनल पार्क इज द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द हिमालयस. ऑप्शन सी सेज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर. एंड ऑप्शन डी सेज राजा जी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. अब चार हमें स्टेटमेंट्स गिवेन है, ध्यान से इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो और मुझे करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं, मुझे करेक्ट आंसर बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या चीज आपसे पूछी गई है, और उसके बाद मुझे आंसर आप लोगों को बताना है. आई हैव वंस रेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नीरू जैन जी, आपका आंसर आ चुका है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़िए. सब लोग मुझे आंसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बट दिस आंसर्स दैट आई एम गेटिंग दे आर नॉट द करेक्ट आंसर्स. मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, आंसर करेक्ट नहीं है. आप लोग मुझे बी ऑप्शन बोल रहे हैं, यानी आप लोग कह रहे हैं हेमिस नेशनल पार्क इज द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया दैट इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द हिमालयस. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये आप लोग मुझे कहना चाह रहे हैं, बट एक्चुअली ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट नहीं है. हिमालयस के नॉर्दर्न, हिमालयस के नॉर्थ में इंडिया का एक ही नेशनल पार्क लोकेटेड है. हिमालयस रेंजेस के भी नॉर्थर्न पार्ट में इंडिया का एक ही नेशनल पार्क लोकेटेड है, और वो है आपका हेमिस नेशनल पार्क. हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क लोकेटेड इन दी लद्दाख यूनियन टेरिटरी इज लोकेटेड इन दी नॉर्दर्न रीजन नॉर्थ ऑफ हिमालयस. दिस स्टेटमेंट इज नॉट योर आंसर. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, डेजर्ट नेशनल पार्क इज नॉट द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया. ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क हमारा लार्जेस्ट नेशनल पार्क नहीं है, यही हमारी गलत स्टेटमेंट थी. और इसीलिए मैंने कहा कि इन क्वेश्चंस को हम लोग जब आंसर करेंगे तो बहुत इजीली हमारा क्वेश्चन जो आंसर होगा. देखो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, राजा जी नेशनल पार्क लोकेटेड है स्टेट ऑफ उत्तराखंड में. इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर जब हमने स्टार्ट किया था टाइगर पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए, टाइगर्स का नंबर इंक्रीज करने के लिए, तो सबसे पहला नेशनल पार्क जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर लिया गया टाइगर रिजर्व के रूप में, वो था हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क.
तो सेकंड स्टेटमेंट सी ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर नहीं है। इसके बाद ऑप्शन बी कह रहा है हेमिस नेशनल पार्क इज द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया दैट इज नॉट लोकेटेड नॉर्थ ऑफ हिमालयस। बिल्कुल करेक्ट है, हिमालयन रेंजेस के भी नॉर्दर्न साइड में अगर लोकेटेड नेशनल पार्क की बात करें तो इंडिया का एकमात्र नेशनल पार्क है हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क। ठीक है, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंजेस एंड नॉट नॉर्थ ऑफ हिमालयस। द हिमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ हिमालयस, हिमालयस के भी नॉर्थ में जाके लोकेटेड है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द ऑप्शन बी। ऑप्शन ए बोल रहा है डेजर्ट नेशनल पार्क इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। डेजर्ट नेशनल पार्क इज नॉट द लार्जेस्ट नेशनल पार्क, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इज योर हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क। हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क लद्दाख में लोकेटेड है, इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है डेजर्ट नेशनल पार्क। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू, राइट। हेमिस इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क और एरिया वाइज सबसे बड़ा नेशनल पार्क इंडिया में हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड है। इसी के साथ हिमालयन रेंजेस में के भी नॉर्दर्न पोर्शन में लोकेटेड है हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड, यानी कि हिमालय जो हमारे ग्रेटर हिमालयाज हैं, हिमालयाज की जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है उसके नॉर्थ में आपका हेमिस नेशनल पार्क लोकेटेड है। साउथ ऑफ द कराकोरम रेंज, नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालयन रेंजेस आपका हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क लोकेटेड है। क्लियर है? सो हेमिस इज लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इसको याद रखना है। हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, स्नो लेपर्ड्स के लिए वर्ल्ड फेमस है, स्नो लेपर्ड्स की हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलती है हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड पार्क में। क्लियर नीरू? आई होप आपका हाँ डाउट क्लियर है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है दैट इज लोकेटेड इन द हिमालयन रीजन एज यू कैन सी, ठीक है, बट हेमिस इज लोकेटेड फर्दर नॉर्थ ऑफ द हिमालयन रेंजेस। ठीक है, तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा था ऑप्शन ए। इट इज द ओनली नेशनल पार्क लोकेटेड नॉर्थ ऑफ हिमालयस, लार्जेस्ट नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, इसी के साथ सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिगुअस प्रोटेक्टेड एरिया है इन साउथ एशिया आफ्टर नंदा देवी बायोस्फेयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फेयर रिजर्व इज नॉट अ नेशनल पार्क ओनली बट अ बायोस्फेयर रिजर्व। इस बायोस्फेयर रिजर्व के अंदर आपका नंदा देवी नेशनल पार्क आता है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क आता है, गंगोत्री नेशनल पार्क की बाउंड्री आती है। तो ये जो पूरा रीजन है इसको हम नंदा देवी बायोस्फेयर रिजर्व कहते हैं। ये इंडिया का लार्जेस्ट कॉन्टिगुअस एरिया है, ठीक है, और इससे छोटा जो है वो है हमारा हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है जी, इस मैप में आप देख सकते हैं कि मैंने और भी बहुत सारे नेशनल पार्क्स को यहाँ पर मेंशन कर रखा है, उनके लोकेशन को यहाँ पे मेंशन कर रखा है, बट इसको पढ़ने से पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट योर डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, राइट। सो डेजर्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान इज फेमस एज वन ऑफ द लास्ट रेफ्यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, हराई कैमल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, घड़ियाल या डेजर्ट कैट। नीचे हमें फोर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स दिए गए हैं और हमसे बोला गया कि ये जो चार स्पीशीज हैं इसमें से कोई एक स्पीशीज है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और इसका लास्ट रेफ्यूज के तौर पे डेजर्ट नेशनल पार्क फेमस है। वो आंसर जो है मुझे आप लोग बताएंगे, खराई कैमल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, घड़ियाल, डेजर्ट कैट। आउट ऑफ दीज फोर एनिमल्स विच ऑफ दीज एनिमल्स इज फाउंड इन डेजर्ट नेशनल पार्क एंड द पार्क इज इन फैक्ट फेमस फॉर दीज काइंड ऑफ एनिमल्स। इसका आंसर मुझे सबसे पहले प्रतिभा ने दिया है, प्रतिभा जी, और आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट भी है, राइट। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुझे लगता है हमारी जो जॉब है ज्योग्राफी जीएस को स्टडी करने वाली वो इजी हो जाएगी अगर आप लोगों की नॉलेज ऑलरेडी इतनी अच्छी है अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो प्रतिभा जी का आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आया है, करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राइट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज, ये इंडिया के सेंट्रल और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मिलने वाली एक बर्ड स्पीशीज है, लेकिन आज के समय में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसको बहुत ज्यादा खतरा है, इसके नंबर बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं क्योंकि हंटिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है इन एनिमल्स की। इसके साथ साथ जो इंक्रोचमेंट हुई है फॉरेस्ट और ग्रासलैंड एरियाज में स्पेशली इन दी सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वो इस बर्ड को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा पाया, इसलिए ये बर्ड जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गई है। लेकिन डेजर्ट नेशनल पार्क में ये बर्ड अच्छे नंबर्स में मिलती है और डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट जो है जैसलमेर एंड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट वहां पे पाया जाता है, वहां पे इसको स्थापित किया गया है, सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। थार डेजर्ट का जो इकोसिस्टम है पूरा नेशनल पार्क थार डेजर्ट के इकोसिस्टम का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जो नेशनल पार्क है वो हमारा फेमस है। इसी के साथ दिस पार्क इज ऑल्सो फेमस फॉर कलेक्शन ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो एक चीज यहाँ पे आप एक और देख लीजिए, नेशनल पार्क्स को सिर्फ एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए ही डिक्लेयर नहीं किया जाता, नेशनल पार्क्स को प्लांट स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए भी डिक्लेयर किया जाता है,
एक्वेटिक स्पीशीज यानी कि मरीन एरियाज में, ओशनिक एरियाज में भी नेशनल पार्क्स को डिक्लेयर किया जा सकता है किसी भी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होती हैं, कहीं पे फॉसिल्स मिल रहे हैं, कहीं पे कोई जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जो बहुत रेयर है, हिस्टोरिकल है, तो उसको कंजर्व करने के लिए भी हम नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि गंगोत्री नेशनल पार्क डिक्लेयर किया है हमने उत्तराखंड में। अब गंगोत्री नेशनल पार्क सिर्फ वाइल्ड लाइफ के ही बेसिस से नहीं किया गया, गंगोत्री नेशनल पार्क में जो आपका गोमुख ग्लेशियर है उसको कंजर्व करने के लिए भी हमने गंगोत्री नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया है, राइट? येस अभिनव, यू आर करेक्ट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वॉज ऑल्सो इन द रेस फॉर बींग द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, बट बिकॉज इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी दी नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, और हमारा जो नेशनल बर्ड है वो हमारा बर्ड है मोर, दैट इज इंडियन पी फॉल। तो अब हमने डेजर्ट नेशनल पार्क की बात कर ली है, लोकेटेड इन दी स्टेट ऑफ राजस्थान। नाउ लेट अस जंप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको मैंने फोर पेयर्स दी हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दी इनकरेक्टली मैच पेयर, राइट? आउट ऑफ दी पेयर्स ऑफ नेशनल पार्क एंड देयर होम स्टेट, यू हैव टू आइडेंटिफाई दी इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। डेजर्ट नेशनल पार्क इन दी स्टेट ऑफ राजस्थान, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इन दी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी नेशनल पार्क इन दी स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड रणथंभौर इन दी स्टेट ऑफ राजस्थान। मुझे बताओ कि कौन सी पेयर को इनकरेक्ट मैच किया गया है, यानी नेशनल पार्क उस स्टेट में नहीं लोकेटेड है, वो मुझे बताना है। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं नेशनल पार्क्स की। अब मुझे अलग अलग आंसर्स दिख रहे हैं, नीरू जी योर आंसर केम फर्स्ट एंड यू आर इनफैक्ट करेक्ट, प्रतिभा यू आर ऑल्सो करेक्ट, अभिनव यू आर ऑल्सो करेक्ट, अरिजीत आपने अपना आंसर भी बदल लिया है तो आप भी करेक्ट है, ठीक है? सो आई एम गेटिंग द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू, नीरू, प्रतिभा, अरिजीत, अभिनव, यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर्स। बाकी लोग क्यों आंसर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आईबीएसईआईओ का पेपर थोड़ी हो रहा है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ अपनी टेस्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, ताकि जो पेपर हो उस पेपर में हमारे पास कोई कमी ना रह जाए। वी आर इक्विप्ड विद ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, ऑल द रिक्वायर्ड कंटेंट। यस इनफैक्ट आई हैव गॉटन द करेक्ट आंसर्स एंड आई हैव गॉटन द करेक्ट स्टेट ऑल्सो। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड नॉट इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लुकिंग एट दिस मैप आई होप यू आर एबल टू रीड ऑल द नेशनल पार्क दैट आई प्रोवाइडेड हियर। इफ यू आर नॉट एबल टू रीड, इंटीमेट मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन जूम दिस पिक्चर, बट इफ यू आर एबल टू रीड दिस डिफरेंट नेशनल पार्क देन इट इज ऑल वेल एंड गुड, राइट? तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं उत्तराखंड के रीजन के अंदर हमारा गोविंद वल्लभ, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, राजा जी नेशनल पार्क, ये सारे हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज लोकेटेड हैं इन दी स्टेट ऑफ उत्तराखंड ओनली, राइट? इसके साथ अगर आप हिमाचल की तरफ जाएंगे तो हिमाचल में आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लोकेटेड है, आपका खीर गंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है, पिन वैली नेशनल पार्क लोकेटेड है, इंद्र किला नेशनल पार्क लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है? इन दी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, राइट? सो ये चीज जो है आपको हर स्टेट के अंदर आपको नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी जो है याद करने में आसानी होगी। ओके नीरू जी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। नाउ लुकिंग एट दिस मैप यू कैन सी इन दी यूटी ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, यू कैन सी दाचीगाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, वेरी फेमस फॉर दी बर्ड्स बायोडाइवर्सिटी, वेरी फेमस फॉर स्नो लेपर्ड्स ऑल्सो। दाचीगाम नेशनल पार्क जो है यहाँ पर आपको कश्मीरी स्टैग देखने को मिलता है, द स्टेट एनिमल फॉर दी जम्मू एंड कश्मीर जब ये स्टेट हुआ करता था, हंगुल भी कहा जाता है कश्मीरी स्टैग को। इसके साथ हेमिस की हमने ऑलरेडी बात कर ली, लद्दाख के रीजन में है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क अगेन इन दी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज लोकेटेड। फर्दर आप साउथ आते हैं तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, डिक्लेयर किए हुए हैं। कालेसर नेशनल पार्क लोकेटेड है हमारा तराई बेल्ट में इन दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा। फर्दर साउथ आइए, दुधवा नेशनल पार्क आपका बॉर्डर पे लोकेटेड है उत्तर प्रदेश नेपाल के। सुल्तानपुर नेशनल पार्क नियर दी बॉर्डर ऑफ हरियाणा दिल्ली, अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। राजस्थान में आपका डेजर्ट, सरिस्का, केवला देवगाना, रणथंभौर एंड मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क्स आर लोकेटेड, एंड दीज पार्क्स बेसिकली आर लोकेटेड नियर अबाउट दी अरावली हिल्स रीजन, राइट? तो आपका सरिस्का हो, केवला देवगाना हो, रणथंभौर हो, ये अरावली या अरावली के ईस्टर्न साइड में लोकेटेड आपके नेशनल पार्क्स हो गए हैं। फर्दर साउथ आते हैं, मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे माधव नेशनल पार्क लोकेटेड है, पन्ना नेशनल पार्क वेरी फेमस, बांधवगढ़ नेशनल पार्क वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स इंडिया में जो पाई जाती हैं वो आपके बांधवगढ़ में पाई जा रही हैं। फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क वेरी फेमस फॉर बारासिंगा और स्वाम्प डियर, पींच नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, वन विहार एंड डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क, ऑल दीज आर लोकेटेड इन दी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। गुजरात में जाएंगे तो आपका गिर नेशनल पार्क, होम ऑफ द एशियाटिक लॉयन, नो वेयर फाउंड, नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, एशियाटिक लॉयन ओनली फाउंड इन गिर नेशनल पार्क।
मरीन नेशनल पार्क नियर द गल्फ ऑफ कच एंड ब्लैक बक बेलवादार नेशनल पार्क इन दी कठियावाड़ पेनिनसुला, ये आपके गुजरात में पाए जाने वाले नेशनल पार्क्स हो गए। क्लियर हुआ? ये सारी जो नेशनल पार्क्स हैं ये सब आप लोगों को स्टडी करने पड़ेंगे, एक बार में ये सब याद नहीं होगा, एंड आई नो दैट रिपीटेड रिविजन्स होंगी तो बहुत ईजिली आपको ये नेशनल पार्क्स और उनकी लोकेशन जो है वो याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एंड इन दिस क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अगेन अबाउट फोर पेयर्स ऑफ नेशनल पार्क्स एंड स्टेट एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच पेयर। ऑप्शंस आर तदोबा नेशनल पार्क इन महाराष्ट्र, इंद्रावती इन छत्तीसगढ़, गिंडी नेशनल पार्क इन कर्नाटका एंड अनामलाई नेशनल पार्क इन दी स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो अब हम थोड़ा सा सेंट्रल और साउथ इंडिया की तरफ चले गए हैं और यहाँ पर आपको बताना है मुझे कि कौन सा जो नेशनल पार्क है वो इनकरेक्ट स्टेट के साथ मैच किया गया है। यस नीरू, दीज लाई ऑन सतपुरा एंड विंध्या रेंजेस। बेसिकली इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हैज अ वेरी वाइड वेराइटी ऑफ जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मध्य प्रदेश में ही आपके विंध्यन माउंटेन हिल रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस कह सकते हैं, सतपुरा हिल रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस हैं। ईस्टर्न साइड ऑफ मध्य प्रदेश में जब आप जाते हैं छत्तीसगढ़ बॉर्डर की तरफ तो हाईली फॉरेस्टेड एरिया है, डोमिनेटेड बाई ट्राइबल पॉपुलेशन, एंड इस रीजन में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ मिनरल रिच रीजन भी है ये। सो ऑप्शंस मुझे अलग अलग आंसर्स देखने को मिल रहे हैं, समवन इज सेइंग सी, सम आर सेइंग डी, सम आर सेइंग ए। द करेक्ट आंसर ध्यान रखना है आपको, वो आंसर देना है जो कि इनकरेक्ट मैच पेयर है। तदोबा को महाराष्ट्र में बताया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट है, तदोबा इज इन महाराष्ट्र। इंद्रावती नेशनल पार्क इज ऑब्वियसली लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। अन्नामलाई नेशनल पार्क, इसको हम इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, तमिलनाडु के स्टेट में लोकेटेड है, वेरी मच करेक्ट। गिंडी नेशनल पार्क इज ऑल्सो लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड नॉट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट। सो अब अगर हम इंडिया के सेंट्रल और सदर्न पोर्शन की तरफ चलेंगे तब यहाँ पर अगेन आई विल जूम अप द पिक्चर सो दैट यू कैन ईजिली सी दिस पर्टिकुलर लोकेशन। वानसडा नेशनल पार्क आपका सबसे पहले सदर्न गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है। अगर महाराष्ट्र में आते हो, संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई के सिटी के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। इंडिया के सबसे छोटे नेशनल पार्क में से एक है आपका संजय गांधी नेशनल पार्क, मुंबई सिटी, इसी पूरी सिटी के बीच में आपका नेशनल पार्क लोकेटेड है। सिमिलरली द गिंडी नेशनल पार्क लोकेटेड इनसाइड द चेन्नई सिटी, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया के बीच में ही आपका गिंडी नेशनल पार्क लोकेटेड है, नॉट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तदोबा अंधारी की बात करेंगे, ये टाइगर रिजर्व भी है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नवागांव अगेन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इंद्रावती एंड कांकेड वैली, कुछ जगह कांगेड़ वैली होगा, कुछ जगह कांकेड़ वैली होगा, ये दोनों नेशनल पार्क्स आपके सदर्न छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। आंध्र प्रदेश में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं यहाँ पे, पापीकोंडा नेशनल पार्क, रामेश्वरम या राजीव गांधी नेशनल पार्क, वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, ये सारे जो नेशनल पार्क्स हैं स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना में आपको मृगवणि और कासु ब्रह्मानंदा नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। गोवा के स्टेट में आपको मोलेम नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इन दी स्टेट ऑफ गोवा। तो ऐसे गोवा जैसे एक छोटा स्टेट है, बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, गोवा में देर आर नॉट मेनी नेशनल पार्क्स एंड प्रोटेक्टेड एरियाज, बट द वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ गोवा दैट इज योर मोलेम नेशनल पार्क। फिर आंशी इन दी स्टेट ऑफ कर्नाटका, फर्दर साउथ आइए कुद्रेमुख, पनेर घाटा, बांदीपुर, नगरहोल, ऑल दीज नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। पूरी वेस्टर्न घाट्स की रेंजेस में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे नेशनल पार्क्स, कुद्रेमुख, अंशी, बनेरघाटा, बांदीपुर, नगरहोल, ऑल दीज नेशनल पार्क्स दे आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। आंशी को आप डांडेली आंशी के नाम से भी जानते हैं, इसको काली नेशनल पार्क या काली टाइगर रिजर्व के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नेम्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी एक प्रोटेक्टेड एरिया को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यस इन द इन गोवा नीरू जी बिल्कुल मोलेम वो ही नेशनल पार्क है जिसके लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होना जा रहा है, कॉरिडोर बनने जा रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है, एनवायरमेंट को भी कंजर्व करना है, ये अपने आप में एक अलग इशू है। फर्दर साउथ आते हैं केरला एंड तमिलनाडु, इन दोनों स्टेट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स लोकेटेड हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, एराविकुलम इन द स्टेट ऑफ केरला, माथिकेतन शोला ऑन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु केरला, पंबदम शोला बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु केरला, पेरियार नेशनल पार्क बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु केरला, बिकॉज ये जो पूरा तमिलनाडु केरला का बॉर्डर है यहाँ पर आपको वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंजेस देखने को मिल रही है। अन्नामलाई नेशनल पार्क ऑल्सो नोन एज इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये लोकेटेड है आपका स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, मुकुर्थी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, मुडुमलाई इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये भी आपके तमिलनाडु के स्टेट में लोकेटेड है।
ठीक है, तो ये हो गए हमारे सदर्न साइड के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग जंप कर सकते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। दिस क्वेश्चन इज अबाउट साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इट इज फेमस एज वन ऑफ द लास्ट होम्स ऑफ लॉयन टेल्ड मैकॉक। इट इज अ मॉन्की, अ लॉयन टेल्ड मैकॉक इस मॉन्की का नाम है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड मॉन्की स्पीशीज है। इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इन इंडिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है, बहुत इजीली आप लोगों को आंसर इस क्वेश्चन का देना चाहिए। अरिजीत ने फटाफट जो है आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो टाइप कर दिया है कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैं नहीं चाहूंगा कि बाकी लोग भी वही आंसर देख के वहां से दें। करेक्ट आंसर आप अपनी नॉलेज से बताइए। एंड आई एम गेटिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम यू, सो आई अज्यूम यू ऑल नो दैट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, केरला जो है हमारा करेक्ट आंसर बनने वाला है साइलेंट वैली नेशनल पार्क का। कंफ्यूज नहीं होना, वैली नाम देख के आपको लगे हिमालय में जाना चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये नीलगिरी हिल्स में लोकेटेड है केरला स्टेट के, राइट। और ये साउथ वेस्टर्न घाट्स माउंटेन्स के रेन फॉरेस्ट का लास्ट होम है। वेस्टर्न घाट्स में बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है भरी पड़ी है, नेचर पॉइंट के कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वेस्टर्न घाट्स, और उसमें द स्टेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु ये बहुत आगे निकल गए, ठीक है। इसी रीजन में आपका नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व भी जो है वो लोकेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। एंड लॉयन टेल्ड मैकॉक्स जो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है प्राइमेट की, ये आपके साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पाई जाती है। इसी के साथ यहाँ पर टाइगर्स आपको देखने को मिलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर्स हो गए, बंगाल फॉरिकन्स हो गए, वल्चर्स एंड एलिफेंट्स, दे आर ऑल्सो सीन इन दिस पर्टिकुलर नेशनल पार्क, क्लियर है। नेक्स्ट लेट अस जंप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन इंडिया इज फेमस एज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? कान्हा, नामदाफा, किबुल लामजाओ या सुंदरबंस नेशनल पार्क। वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू नो द आंसर, अदरवाइज इट कैन गेट वेरी कंफ्यूजिंग। इंडिया का कौन सा नेशनल पार्क है जो वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? एंड अगेन अरिजीत हैज गिवन मी द करेक्ट आंसर एंड आई एम वेटिंग फॉर मोर ऑफ यू। अभिनव यू आर ऑल्सो देयर, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। शिनचैन योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, बिल्कुल सही है। कीबुल लामजाओ जो भी आंसर दे रहा है दैट आंसर इज वेरी मच करेक्ट। नेहरू आई एम सॉरी, योर आंसर इज नॉट करेक्ट दिस टाइम। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली ऑप्शन सी। सुंदरबंस नेशनल पार्क इज नॉट नोन एज फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ये एक डेल्टाइक नेशनल पार्क जरूर आप इसको बोल सकते हैं, मैंग्रोव नेशनल पार्क या कोस्टल नेशनल पार्क आप इसको जरूर कह सकते हैं, बट फ्लोटिंग नेशनल पार्क नहीं है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो वो है हमारा कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, लोकेटेड इन द बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर। मणिपुर की जो लार्जेस्ट लेक है दैट इज योर लोकटक लेक, इस लेक के ऊपर फुमडीज नाम के वेजिटेशन, प्लांट्स, सॉयल का एक मिक्सचर होता है जो इस लेक के ऊपर फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। यू कैन गो ऑनलाइन एंड सर्च फॉर पिक्चर्स ऑफ सच फुमडीज। तो ये फुमडीज जो है वो इस लोकटक लेक के ऊपर फ्लोट करती रहती हैं। इसी के साथ मणिपुरी सांगाई डियर विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर, इट इज ऑल्सो फाउंड ओनली इन द कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, राइट। सो इट इज फेमस एज द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड बिकॉज ये जो पूरा नेशनल पार्क है लोकटक लेक के ऊपर ही लोकेटेड है। लोकटक लेक के ऊपर ये जो फुमडीज फ्लोट कर रही हैं, उन्हीं फुमडीज में एनिमल्स, प्लांट्स, आपके बहुत सारे ह्यूमंस भी जो हैं वो अपनी हर्ड्स और सेटलमेंट्स वहां पे बनाते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सारी चीजें इसी लेक के ऊपर हो रही हैं। दैट इज वाई इट इज नोन एज योर फ्लोटिंग नेशनल पार्क एंड दी ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, क्लियर है। सो दिस ऑल्सो गिव्स अस अ मोटिव टू गो टू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड लुक फॉर सर्टन प्रोटेक्टेड साइट्स देयर। तो अगर हम इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में जाएंगे, अगेन हम सिक्किम से स्टार्ट करें, कंचनजंगा बहुत ईजिली आप लोग कंचनजंगा नेशनल पार्क बता सकते हैं कि स्टेट ऑफ सिक्किम में है। इसके बाद वेस्ट बंगाल में आपका न्योड़ा वैली, गोरुमारा, जल्दापारा एंड बक्सा नेशनल पार्क आर लोकेटेड जस्ट नियर द बॉर्डर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड भूटान, राइट। फिर आप आसाम में आइए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइट्स यहाँ लोकेटेड हैं। मानस नेशनल पार्क है, उरांग है, काजीरंगा है, नामेरी है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, ये सारे नेशनल पार्क्स लोकेटेड हैं आपके इन द स्टेट ऑफ आसाम। अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो हैज मोलिंग नेशनल पार्क, नमदाफा नेशनल पार्क, देर इज ऑल्सो पक्के और पखुई नेशनल पार्क लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ऑफ द नामेरी नेशनल पार्क। यहाँ इस तरफ आपका लोकेटेड है पक्के टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, या पखुई भी कहते हैं इसको, पखुई टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क। मेघालय में आए तो बलफक्रम एंड नोकरेक, ऑल दीज टू लोकेशन आर दी नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ मेघालय। इन टंकी नेशनल पार्क आपका नागालैंड का नेशनल पार्क है। फर्दर आप साउथ आए, मणिपुर में आए तो यहाँ पर आपको कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा।
फर्दर साउथ मिजोरम स्टेट में मुरलेन एंड फ्वांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, इसको ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी बोल दिया जाता है। फ्वांगपुई इज दी ओरिजिनल नेम इन दी मेघा लैंग्वेज ऑफ मिजोस, द ओरिजिनल ट्राइब, एंड फ्वांगपुई ब्लू माउंटेन इज लोकेटेड इन दी लुशाई हिल्स ऑफ मिजोरम। फर्दर मान्य त्रिपुरा के स्टेट में आपको क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, और ये सारे नेशनल पार्क हमारे ईस्टर्न स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही लोकेटेड है। उड़ीसा में आपका सिमलीपाल एंड भितरकनिका, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। सिमलीपाल आपका इनलैंड है, भितरकनिका कोस्टल नेशनल पार्क है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हमको भितरकनिका में देखने को मिलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर्स हमको देखने को मिलते हैं। सुंदरबन इज ऑब्वियसली लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। झारखंड में आपका बेतला नेशनल पार्क इज लोकेटेड। सो ऑल दीज इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री। क्लियर हुआ है दोस्तों, राइट? तो फ्रेंड्स इसके साथ अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन जस्ट हियर एंड नाउ। दिस क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया वॉज रिसेंटली एस्टैब्लिश एज द न्यूएस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। इंडिया का सबसे नवीनतम, सबसे नया नेशनल पार्क कौन सा एस्टैब्लिश किया गया है वो आपको बताना है इस क्वेश्चन के आंसर में। ऑप्शन आर दिहिंग पटकाए, पक्के, दुधवा, पूनो, पालपुर, एंड यू विल हैव टू प्रोवाइड मी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और इसके साथ इस सेशन को मैं यहाँ फिनिश करने जा रहा हूँ, बट आई अज्यूम अगर आप में से सब किसी को भी कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग दी स्ट्रैटेजी फॉर ज्योग्राफी और एनी अदर डाउट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, यू कैन फायर दोज डाउट्स हियर, और मैं उन क्वेश्चंस का जो है आंसर करने की पूरी कोशिश जो है आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। आई वॉन्ट यू ऑल ऑफ यू, प्रतिभा जी, सखीवार जी, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इस क्वेश्चन का आंसर अभी प्रोवाइड करें। आप आराम से इस क्वेश्चन को थोड़ा स्टडी कर लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है बहुत इजीली आप ऑनलाइन जाके पता लगा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेजर थिंग इज दैट यू शुड बी एबल टू गो ऑनलाइन एंड सर्च फॉर सच काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, सो दैट दीज काइंड्स ऑफ नॉलेज एंड दिस काइंड ऑफ न्यूज आइटम्स दे कैन हेल्प यू इन योर एग्जाम्स ऑल्सो। तो आई होप ये होमवर्क क्वेश्चन आप सभी लोगों को जो है वो सॉल्व करना है। इसी के साथ इस लाइव सेशन को जो है हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करने जा रहे हैं दोस्तों। हमने कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स को यहाँ पे डिस्कस किया है, और अगर आपको इस लेक्चर से या इस वीडियो से, इस सेशन से कोई भी फायदा हुआ है, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू गिव अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन, और मुझे पता लगे कि जो भी सेशन हम लोग एडोटैप की तरफ से लेने जा रहे हैं इससे आपके प्रिपरेशन को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? तो अगर आपको फायदा हुआ है इस सेशन के थ्रू तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार थम्स अप कर दीजिए, सो दैट वी कैन नो दैट सब चंगा सी एंड ऑल इज एंडिंग ऑन अ वेल नोट, and we can go home with this homework question, and in the next session that we will take for IBACIU course you are ready with the answer for this particular question. Niru, we are taking these sessions every day, so weekly hamare har subject ke bhi sessions ho jayenge. The next session that I'll be taking will be on the next Thursday, राइट? सो द नेक्स्ट थर्सडे हम ज्योग्राफी का सेशन लेंगे, इसी तरीके से हमने वीक के सारे डेज हम डिवाइड कर देंगे, और हर सब्जेक्ट का, चाहे आपका क्वांट्स एंड रीजनिंग का कंपोनेंट है, ज्योग्राफी का कंपोनेंट है, अदरवाइज आपका पॉलिटी का कंपोनेंट है, जनरल अवेयरनेस का कंपोनेंट है, इंग्लिश का कंपोनेंट है, ऑल दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स दे विल बी टेकन केयर ऑफ इन ईच डे ऑफ द वीक, एंड माई डे इज थर्सडे वेयर यू विल विथ मी स्टडी ज्योग्राफी एंड द डिफरेंट सेशन ऑफ ज्योग्राफी। तो ये हमारा सेशन होने वाला है, एंड ललित मैंने फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग भर दी है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? ललित अगर आपने डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग भरी है सो देयर कैन बी मल्टीपल सोल्यूशन। वन कैन बी दैट यू राइट टू दी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज और वहां पर जो है आप अपना ग्रीवेंस दे सकते हैं उनको। यू कैन ऑल्सो फिल अगेन अनदर फॉर्म जिसमें आप करेक्ट डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उस फॉर्म की एप्लीकेशन आईडी से जाकर आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। अदरवाइज वॉट यू कैन डू, और जो मेरा फाइनल सजेशन क्या होगा, आप hello@edutype.co.in पे एक मेल ड्रॉप कर दीजिए और उस मेल में अपना जो भी ग्रीवेंस है वो आप लिख के हमको भेज दीजिए। उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो हम आप लोगों को, आपको कॉन्टैक्ट करके प्रोवाइड कर देंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही है कि जितना ज़्यादा हो सके हम एस्पिरेंट्स की हेल्प कर सकें, राइट? सो बिल्कुल नीरू जी भी कह रही है कि आप दोबारा से फॉर्म भर के करेक्ट डीओबी के साथ फॉर्म भर सकते हैं, और फिर उस फॉर्म पे जो आपने करेक्टली भरा है उस पे जाकर आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस सेशन को अब हम लोग कंक्लूड करते हैं, एंड लेट अस मीट अगेन नेक्स्ट वीक विद सम ब्रांड न्यू टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस। तब तक के लिए